राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और पुलिस लाइन के बाहर वीरेंद्र कुमार को रिहा करो के नारे लगाने लगे। पुलिस वीरेंद्र कुमार को पुलिस लाइन वार्ता के लिए लेकर आई थी। 6 घंटे चली लंबी वार्ता के बाद 12 नवंबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय निर्धारित होने के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि शासन प्रशासन दिव्यांगजन के प्रति गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। शासन के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजन को नियुक्ति पत्र ना मिला, दिव्यांगजन को नौकरी रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा की 100% गारंटी ना मिली तो 15 नवंबर को पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज प्रदर्शन करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, प्रदेश प्रवक्ता अल्पना कुमारी, मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, वैभव दीक्षित, गुड्डी दीक्षित, गोमती वर्मा, दिलीप कुमार, महेश चंद साहू, अनुराधा गुप्ता, मनोज त्यागी, सत्य प्रकाश शुक्ला, सोनी पूजा आदि लोग शामिल रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से और क्या कुछ बोले राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, सुने। आज किस लिए आप नज़र बंद करे गए थे, क्या पूरा प्रक्रिया और क्या मामला है? देखिए कल 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगठन लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे हाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन करने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन आज 3 दिन से हम लोग को परेशान किए हुए है। बराबर वार्तालाप चल रही है। आज पुलिस लाइन में हमको लेके आया गया, वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप चल रही थी। अंत में निर्णय ये निकला कि माननीय मुख्यमंत्री जी से 12 नवंबर को मुलाकात और वार्ता का समय मिला है। 12 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों की समस्याओं को रखा जाएगा। तब तक के लिए इस आंदोलन को स्थगित किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस हमको लखनऊ जाने नहीं देगी। आगामी कल तक पुलिस कस्टडी में हम रहेंगे, ये संकेत दे दिया गया है। इसलिए जब हम जा नहीं पाएंगे व्यवस्था बिगड़ेगी, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग साथियों से अपील करना चाहते हैं कि चूंकि प्रशासनिक स्तर पर लखनऊ से वार्ता हुई है, मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के कारण इधर समय नहीं मिल पा रहा है, 12 नवंबर का समय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के लिए मिला है, आप लोग 12 तारीख तक धीरज रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और आंदोलन को तब तक के लिए स्थगित किया गया है। इस अपील को उम्मीद है आप लोग स्वीकार करें। क्या प्रमुख मांगे थी, क्या जो आप बार बार वहाँ पर लखनऊ जा रहे थे? देखिए मांगे, सबसे पहली मांग तो ये है कि जो लेखपाल पद पर चयनित हुए हैं दिव्यांग, उनको नियुक्ति पत्र दिलाया जाए। दूसरा है सीजनल संग्रामीण पद पर जो दिव्यांग काम कर रहे हैं उनका विनियमितीकरण किया जाए। नौकरी रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की 100% गारंटी दी जाए। रिजर्वेशन कोटा पूरा किया जाए। दिव्यांगजनों की पेंशन दूसरे स्टेट की तरह उत्तर प्रदेश में भी 5,000 की जाए। सभी को आवास दिया जाए। तमाम मांगे हैं हमारी, 13 सूत्री मांगे हैं, उन सब मांगों को लेकर के हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज यहाँ पर अधिकारी मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, किस तरीके से बताया? आज बहुत लंबी वार्ता चली है। अधिकारी बार बार प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, आंदोलन को स्थगित करने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि बिना मुख्यमंत्री से समय मिले हम अपना आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। अधिकारियों ने लखनऊ तक बात की है और हमारा जो प्रतिनिधिमंडल से वार्ता का जो समय है फिक्स कराया है 12 नवंबर, इसलिए हमने ये आंदोलन स्थगित किया है।